गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं गजरे में। टेस्टी डिलीशियस, मतलब घर जैसा फील हो। कैसा लगा मैम आपको? ऑसम। अभी हम जा रहे हैं नोएडा टू ऋषिकेश। ये धर्मेंद्र भाई, ये हरि भाई, ये दिनेश। अभी हम बीच में आपको बताते रहेंगे, जाएंगे हम बताएंगे अभी कहाँ स्टे कर रहे हैं, बीच में आके बताएंगे। और अभी फ़िलहाल तो कोविड है, हम निकल गए रात को 11 बजे। अब देखते कब तक पहुँचते हैं। अभी हम मुरादनगर पहुंच चुके हैं। अभी मेरठ में आने में टाइम है, कोशिश कर रहे हैं कि रात को ही सारी ड्राइव ख़त्म हो जाए ताकि सुबह से होने से पहले ही पहुंच जाए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। बीच में कहीं खाना वाना खाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे वहां के ढाबे वगैरह आपको, और देखेंगे कि वहां पे क्या खाने पीने के लिए है चीज़ें। मिलते हैं आगे। अभी हम हैं मेरठ बाईपास पे, यहाँ पे हम CNG भरवा रहे हैं। और मेरठ के बाद अब हरिद्वार में भी, क्योंकि CNG खुल गई है, और आपको मेरठ के बाद ये स्टॉपेज मिल जाएगा जहाँ पे आप CNG भरा सकते हैं। और ये अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 बजे के बाद कार्ड नहीं चलता। तो अगर आप आएँ अपने साथ कैश लेके आएँ, या कार्ड लेके आएँ, या पेटीएम लेके आएँगे, 12 बजे के बाद कार्ड नहीं चलेगा, कोई ATM नहीं चलेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कैश चलेगा या पेटीएम चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं आप ATM या कार्ड रखें तो नहीं चलेगा। बाकी अभी हम आगे जाएंगे, बीच में जब स्टॉपेज करेंगे, खाना खाएंगे, टोल में आएंगे, और टोल कितने का ये मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। और देखते हैं कितने घंटे की जर्नी है, बाकी अभी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी हम मेरठ टोल पे पहुंच चुके हैं। अभी CNG भरवाने के कुछ 5-1 किलोमीटर के बाद टोल आएगा। मेरे ख्याल से जो टोल है 85 रुपीज़ का है। आप देख रहे हैं कि टोल ज़रूर कैश लेन है, नो कैश लेन है, आप फास्ट टैग है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग टोल पे अभी भी कैश दे रहे हैं, जिसके कारण जाम लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कैश लेने का और या फास्ट टैग लेने का कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही जाम लग रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको अब जाम। फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ये कौन सी जगह पे है तुम्हारा कैंप? गड्डू घाट से थोड़ा सा आगे मोहन चट्टी के पास। किस नाम से है? हिमालयन मेजेस्टी। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर देखे इस तरह से पार्किंग है, और अभी हम जा रहे हैं। और ये बताओ कितनी दूर है ये मेन रोड से? मेन रोड से बस अड्डे से हमारा 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम 11-12 लोग आए हैं, और अभी हम कैंप की तरफ जा रहे हैं। हेलो। और कैंप की तरफ जाएंगे, बताएंगे हम कि कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है खाने पीने की, सब कुछ बताएंगे। रात को हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, सारा इंतज़ाम है खेलने का। देखिए किस तरह से कितने सारे कैंप है, देखिए कितने सारे कैंप हैं यहाँ, देखिए एकदम बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे। आप अभी हम बताएंगे यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है। और हितेंद्र यहाँ पे जो ओनर है वो हमारे साथ है, पूरा वो बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, खाने का क्या है, क्या पैकेज है। आप यहाँ पर आके देखेंगे, पता चलेगा कितना ही एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा कि अच्छी जगह पे आए हैं आप लोग। तो अभी हम कैंप की तरफ जा रहे हैं। इस तरह का व्यू है, देखिए ये देखिए मेरे पीछे तरफ पहाड़ है, हर तरफ कैंप ही कैंप है। बहुत अच्छा एक व्यू है इसका, पीछे
छोटी सी नदी भी बहती है, मतलब आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और रात को हम बोन फायर भी करेंगे और कुछ डांस वांस भी करेंगे। काफ़ी 10-11 लोग आए हैं हम और अभी थक गए हैं, काफ़ी दूर, काफ़ी जाम मिला रास्ते पे और 6 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आपके पास वापस आएंगे, थोड़ी देर सो के आते हैं, बहुत थक गए।